नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द टेस्ट एक्सपर्ट। तो गाइस, आज आपको ऐसी रेसिपी बना के दिखाऊंगा कि आप कहोगे वाह, मज़ा आ गया। कटहल तो आपने बहुत खाया होगा, बहुत तरीके से बनाया होगा। आज मेरे तरीके से बना के आप देखना, आप कहोगे क्या बात है। एक एक स्टेप ध्यान से फॉलो करना। चलो बनाते हैं कटहल। चलो गाइस, शुरू करते हैं। अब बनाते हैं कटहल। ये देखिए, मैंने 1 किलो कटहल लिया है। ये हम डालेंगे कुकर में। हम डालेंगे पानी। इसमें डालेंगे हल्दी। नमक, आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, पर आप देखते रहिए किस तरीके से बनेगा और जबरदस्त एकदम। हल्दी हमने इसलिए डाली है, इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बाल सीटी हम इसलिए लगवा रहे हैं इसमें कि इसके जो रेशे हैं, एक एक रेशा खुल जाएगा। सिर्फ एक ही सीटी लगवाएंगे इसमें। देखिए, एक सीटी बच गई है, गैस हमने ऑफ कर दी है। अब हम इसमें से कटहल निकालेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कैसे एकदम से कटहल के जो रेशे हैं खुल गए हैं। इसको सीटी लगवाने का एक ये कारण होता है, एक तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है, ऊपर से इसके जो रेशे हैं ये भी खुल जाते हैं और इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है हल्दी नमक का। तो हर बाइट, जो भी आप हर बाइट खाओगे ना, हर बाइट में आपको अच्छा बहुत स्वाद आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो मसाले में, तब ये फ्राई होगा, भुनेगा मसालों में, तो इसमें अंदर तक मसाले चले जाएंगे। अब देख रहे हो ये जो पानी है ना, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, तेल हमने गरम कर लिया है, अब हम कटहल को फ्राई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने बॉईल भी करा है, फ्राई भी कर रहे हैं। फ्राई इसलिए किया जाता है, फ्राई से यह है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कटहल में। देख रहे हैं आप, एक एक रेशा खुल गया है, ये देखिए। तो हम फ्राई करके फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कटहल हमारा फ्राई हो गया। ये देखिए, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर देना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमने वही तेल इस्तेमाल करना है जिसमें हमने फ्राई करा है कटहल को। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अदरक लहसुन। देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर।
ये देखिए हमने 200 ग्राम दही लिया है, इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने स्टार्टिंग में जब कटहल को बॉईल किया था तब डाली थी और तेल में भी फ्लेवर था उसका, तो इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। नमक हम बाद में डालेंगे, इसमें नमक नहीं डालेंगे दही में। अब इसमें डालेंगे हम दही जिसमें हमने मसाले डाले, दही में मसाले डालने से ये फायदा है कि दही फटेगा नहीं। कटहल चिकन का वेज वर्जन है। अब जो लोग चिकन नहीं खाते वो ये कटहल बना के खाना, बिल्कुल एकदम नॉन वेज वाला टेस्ट आएगा क्योंकि मसाले और इंग्रेडिएंट्स तो सारे वही है, सिर्फ इसमें चिकन की जगह कटहल है, बहुत टेस्टी बनेगा। अब आप देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम नमक। नमक हमने कटहल में भी डाला रखा है, इस चीज का ध्यान रखना, आप अपने टेस्ट अनुसार डालना नमक। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटहल। ये देखिए कटहल इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए कि हर बाइट में एकदम से टूट जाए, ये ना हमें उससे जंग लगनी पड़े। आप ये देख सकते हैं अगर अभी हम इसको 5-10 मिनट भुनेंगे तो ये सूखा तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल सूखा खाना चाहते हो तो सूखा बिल्कुल इसे 5-10 मिनट भुनने के बाद जैसे ये तेल छोड़ देगा कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जो इसका पानी बचा है। ये देखिए ये इसका पानी था, ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये पानी डालने से ये होगा कि जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से कटहल में अंदर तक चले जाएगा। इसको मिलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब इसको हम 5-10 मिनट ढक के पकाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप कटहल हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है। ये देखिए एक एक रेशा खुल गया है और अंदर तक फ्लेवर गया है। तो गाइस कैसी लगी आपको कटहल की रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पे दबाना।